Okay, let me start. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. My voice is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me start from the previous one. I have uploaded and shared with you all the slides. Can you check? जी आप सबने चेक किए मैंने स्लाइड जो शेयर की थी आप सबके साथ जी सर पढ़ सकते हैं यस सर ठीक है जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स थे वो सब उसमें अपलोडेड थे जिसने नहीं देखे वो देख सकते हैं व्हाट्सएप पे भी अपलोड कर देगी ठीक है अच्छा सर रिमेनिंग हमारे पास जो टॉपिक्स रह गए थे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास दो चीज़ें रह गई थी दैट इज द फिजिकल बैलेंस एंड द मेजरिंग सिलेंडर उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स जी हमने देखने हैं So our lecture is about in all these things, okay? So basically, we have to start from the sixth measuring instrument, that is the physical balance. Okay, इसी तरह वर्नियर कैलिपर पढ़ा हमने हमने स्क्रू गेज पढ़ा ठीक है इस तरह हमने और भी डिवाइसेस जो पढ़ी थी उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे जिसमें स्टॉप वॉच भी हमने पढ़ा अब हम फिजिकल बैलेंस की तरफ आ रहे हैं बेसिकली फिजिकल बैलेंस किस किस को पता है क्या होता है हैंड रेज कर हैंड रेज यू हैव टू जस्ट हैंड रेज यस मोहम्मद अहमद जी जी मोहम्मद अहमद आप बता सकते हैं यस सर फिजिकल बैलेंस जो होता है सर हमारे पास दो पैन होते हैं उसके अंदर और किसी भी जो है हमारे ऑब्जेक्ट का वेट उसको मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है जो ये मतलब के सिंपल लैब्स वगैरह में ही होता है ये इस तरह बाकी जगह पे नहीं होता हाँ जी वी हैव टू मेजर द वेट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस जिस तरह के अहमद ने बताया था कि हमारे पास दो किस्म के पैन होते हैं उन पैन में एक में हमारे पास वेट होता है और एक में हम मेजरिंग थिंग रखते हैं जिस तरह अगर सेब मेजर करने हैं कि उसका वेट कितना है तो बेसिकली हम उसमें सेब को रखते रहेंगे जब वो दोनों बैलेंस आ जाएंगे एक पॉइंट पे बैलेंस हो जाएंगे तो वो बेसिकली हमारे पास इक्वल आ जाएंगे तो उस बैलेंसिंग पॉइंट को बेसिकली हम फिजिकल बैलेंस कह रहे हैं ठीक है इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं हमारे पास जिसमें सबसे पहले जो बताई जा रही है डैट इज़ द बीम बैलेंस तो बीम बैलेंस आपको यहाँ पे शो किया गया नीचे डायग्राम में देर इज़ अ बीम बैलेंस इन देयर यहाँ पे भी दो किस्म के पैंस हैं ठीक है एक हमारे पास क्या होगा जिसमें हम वेट रखेंगे ठीक है और एक हमारे पास क्या होगा जिसमें हम मेजरिंग थिंग रखेंगे कोई भी एनी मेजरिंग थिंग इज प्लेस्ड इन अनदर पैन तो यहाँ पे आप देख सकोगे कि हमारे पास देर इज़ अ नीडल इन बिटवीन तो यहाँ पे स्केल लगाया हुआ है तो वो नीडल बेसिकली हमारे पास जीरो से रिप्लेस होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो अगर मैं ये इस राइट वाले पैन पे वेट रखता हूँ तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास ये वाला पैन जो है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो हमारे पास ये जो नीडल है ये किस तरफ शिफ्ट होनी चाहिए जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए कि लेफ्ट में पैन कम है ठीक है तो ये लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट होगी ठीक है तो इसके बाद हमें क्या करना है लेफ्ट पे वेट रखना है जैसे मैं लेफ्ट पे वेट रखूँगा तो होगा क्या कि ये बेसिकली ऐसा ऐसा मूव करती हुई राइट की तरफ नीडल मूव करना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास दोनों पॉइंट जब बैलेंस पे आएंगे तो ये जो नीडल है रेड वाली तो ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ जानी चाहिए तो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं बीम बैलेंस में सेम वही मेथड है कि हमने इस बीम को ये दो दरमियान में बीम आ रही है इसको बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दैट पैंस पैंस की हेल्प ठीक है और इस पॉइंट्स को हमने जीरो पॉइंट पे लेके आना होगा ताकि हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आ जाए तो दोनों वेट तब इक्वल होंगे जब एक्यूरेसी आ जाएगी अब यहाँ पे एक और चीज़ का देखना लाजमी अगर हमने लास्ट टाइम भी देखा था देर इज़ अ ज़ीरो एरर तो ज़ीरो एरर इस डिवाइस में भी हो सकता है ज़ीरो एरर यहाँ से रिमूव कैसे किया जा सकता है मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है सबसे पहले हमें बगैर वेट के देखना है कि पैंस इक्वल हैं अगर बिल्फर्स इक्वल नहीं है तो देर इज़ अ बैलेंसिंग स्क्रू ठीक है दोनों साइड पे बैलेंसिंग स्क्रू मिले हुए हैं ताकि हम उन दोनों को बैलेंस कर सकें विदाउट एनी वेट जब वो बैलेंस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर वहाँ पे मेजर करना स्टार्ट करेंगे
ठीक है, तो ये चीज़ आपको लाजमी पता होना चाहिए, इन बैलेंस की वजह से हम इस पैंस को आपस में बैलेंस करेंगे, फिर हम जीरो एरर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम मेजरिंग करना स्टार्ट करेंगे वेट। कोई क्वेश्चन है सर? ये ज़ीरो जब हम पहले से ये रेडी करते हैं तो ज़ीरो देखना पड़ता है, मतलब ज़ीरो एरर सर, मतलब जो हम इस पे मेजरमेंट हम जो करते हैं ना, तो उसका तो हमें ज़ीरो पे पता नहीं चलता, मतलब उसका कैसे पता चलेगा? हाँ जी, आप कह रही हैं कि अगर हमें ये नहीं पता होता जब हम मेजर कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ज़ीरो नहीं पता होता, लेकिन उससे पहले हमें ये मेजर करना है, ठीक है, विदाउट एनी वेट हमें उस चीज़ को मेजर करना होगा, हमें दोनों तरफ से पैन से वेट को रिमूव करना है, रिमूव करने के बाद नीडल को चेक करना है, वो ज़ीरो पे होनी चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं है, जिस साइड पे बेसिकली वो मूव किया हुआ है हम उस साइड का स्क्रू क्या करेंगे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जब स्क्रू को मूव करेंगे तो वो बेसिकली खुद ब खुद जो नीडल है वो ज़ीरो पे आ जाएगी, जैसे वो ज़ीरो पे आएगी तब हम वेट को मेजर करेंगे। जी सर, ओके सर, थैंक यू। एक साइड पे अननोन वेट होगा और एक साइड पे नाउन वेट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब इसकी भी दो टाइप्स हैं हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो बैलेंसिंग। ठीक है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रो बैलेंसिंग क्या होता है, ये जो अभी शो की गई है ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये मैकेनिकल है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या होता है, जिसमें डिजिट नज़र आते हैं, जो आजकल मोस्टली शॉप्स पे यूज़ किए जा रहे हैं। यस सर, ओके सर, वेलकम। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सॉरी मैकेनिकल की तरफ ही हम ही हैं अभी तक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में यही फ़र्क है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिट की फॉर्म में शो हो रहा होता है और मैकेनिकल में आपके पास नीडल होती है, एनालॉग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये मोस्टली आपके पास ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए नहीं यूज़ किया जाता बैलेंस, ठीक है, ये कम चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जिस तरह वो कंसार आपने शायद सुना हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास सॉल्ट मिलते हैं या डिफरेंट जड़ी बूटियों की चीज़ें मिलते हैं, तो बेसिकली हमारे पास उन जगहों पे ये चीज़ यूज़ की जाती है या एक चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जा रही है। मोस्टली आपके पास अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो वो एक तरफ स्ट्रेट पैन होता है जिस पर हम वेट रखते हैं, ठीक है, यस सर, हाँ जी, और दूसरी तरफ हमारे पास एक जिसको इस शेप का कहते हैं राउंड शेप का ऊपर बाउल रखा जाता है, उसके अंदर हम वेट पुट करते हैं जिसको हमने मेजर करना होता है, जैसे सेब को हम मेजर करना है तो उस बाउल में हम रखेंगे और उसमें हम उस चीज़ को मेजर करेंगे, और दूसरी तरफ हम वेट रखते हैं जिसमें 5 किलो किलो 2 किलो, ठीक है, इस हिसाब से वेट रखना स्टार्ट करते हैं और मेजर करना स्टार्ट। एक स्ट्रेट पैन होता है और एक हमारे पास राउंड पैन होता है। यस, पैन में वेट रखते हैं और बाउल में जो हमने मेजर करना है उसकी क्वांटिटी रखते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये मोस्टली जिस हम कहते हैं ना कि यूज़ किया जा रहा होता है पुराने ज़माने में, लेकिन आजकल इसकी जगह उन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, जो कि जस्ट वेट रखें और उस पर प्राइस भी इंटर कर दें, वो आपको वो प्राइस बता देगा कि कितनी प्राइस का वो चीज़ आपको वेट कर रहा है, ठीक है, अब इसमें बैलेंस करने का कोई वो नहीं होता, उसमें जस्ट आप प्राइस भी इंटर कर दें कि 1 किलो की कितनी प्राइस है, वो आपको खुद ही 5 किलो की प्राइस बता देगा कि इतनी बन रही है, या आपने जितना वेट पुट किया उतनी की प्राइस बता दें, ठीक है, वो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। तो ये आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, ये याद करने के लिए आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं और मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इसमें भी हमारे पास वही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बैलेंस करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक साइड पे वेट होता है और एक साइड पे अननोन वेट होता है और दूसरी साइड पे नाउन वेट होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे तो एक थोड़ा सा डिफरेंट शो किया गया, लेकिन आपके पास जो शॉप पे होता है ये नीचे वाला पोर्शन शॉप पे पड़ा हुआ, ठीक है, ये फिजिक्स लैब में आपको मिलेगा इस तरह पूरा डिवाइस, लेकिन जो आपको शॉप्स मिलता है वो ये नीचे वाली डिवाइस मिल रही होती है, तो इसके ऊपर आप कोई भी वेट रखते हो और यहाँ पे आपको डिजिट शो होना स्टार्ट होते हैं ये कितना वेट है इसका। लेकिन आजकल जो जदीद टेक्नोलॉजी में आया है तो ये जो स्क्रीन है ये थोड़ी बड़ी होती है और इस पर आपके पास किलोग्राम जो वेट होता है, साथ में प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम एंड द प्राइस ऑफ टोटल, जो आपके जितने किलोग्राम बनता है उसकी प्राइस बता देता है, ठीक है, ये तीन चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं स्क्रीन पे, जो कि आप मार्केट में देख सकते हो, किसी भी दुकान पे जाइएगा वहाँ पे देखिएगा तो वो आपको नज़र आ रहा होगा वेट बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक। यस सर, ओके सर,
ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक चीज़ जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी होना लाजमी। और मैकेनिकल के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होना लाजमी नहीं है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर, इट्स क्लियर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट्स का वो पूछ सकता है। सर यस प्लीज, यहाँ पे जो दो पेन्स लिखे हुए, यहाँ पे मैंने बताया था कि वी हैव टू मेजर अ स्मॉल क्वांटिटी इन दिस टाइप ऑफ पेन। ठीक है, हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी इस पेन में मेजर कर सकते हैं। वी हैव टू पुट अ वेट इन द लेफ्ट पेन एंड द मैस टू बी मेजर्ड इन द अदर पेन। ठीक है, राइट पेन। तो बेसिकली वी हैव टू चेक द बैलेंस पॉइंट दैट इज अ जीरो पॉइंट। तो हमने उस बैलेंस पॉइंट को मेजर करना होता है जो कि जीरो पॉइंट होता है जब ये दोनों एक लेवल पे आ जाते हैं। तो अगर ये दोनों लेवल पे आ गए हैं तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी बराबर हैं। अक्सर दुकानों पे आप जाते हो, आप कहते हो वी हैव टू बाय वन के जी फ्रूट समथिंग एप्पल, तो आप एप्पल खरीद रहे होते हो कि वन के जी होता है, तो वो वन के जी का वेट एक साइड पे रख देता है और दूसरी साइड पे एप्पल को मैयर करना स्टार्ट करता है। जब वो मैयर करता करता देखता है तो वो एप्पल का वेट बिल्कुल जब बराबर आ जाता है नीडल के, तो बेसिकली क्या करता है वो आपको शॉपर में डाल के दे देता है, तो आप उसको घर ले, तो आपको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट मैयर किया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ये दोनों का वेट बराबर आपको कैसे पता चलेगा, जब ये नीडल सेंटर में आएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट? जब रिवीजन में हम आएंगे इंशाल्लाह, रिवीजन में इंशाल्लाह आपको बाकी चीजें क्लियर करेंगे। यस प्लीज, आप फिर से समझा सकते हैं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। ओके मान, विच टॉपिक सर? मेरी है ना। यस प्लीज हमारे पास क्या था जिसमें हमने देखा था बीम बैलेंस जिसको कहते हैं। बीम बैलेंस का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली हमारे पास दो पेन्स रखे होते हैं, उसमें हम मेजर कर रहे होते हैं, एक साइड पे वेट रखते हैं और एक साइड पे हम क्या कर रहे होते हैं जो अननोन वेट होता है उसको हम रख रहे होते हैं, जिस तरह एप्पल है या कोई और चीज़ होती है। क्या ऑरेंज हम किलो में मेजर कर रहे होते हैं? एक क्वेश्चन है वैसे ही जनरल। किलो में भी होता है और दर्जन में भी। किलो में होता है? नहीं सर। किलो में नहीं होता, ठीक है, डेट इज डजन, वो डजन में होता है, किलो में नहीं कंसीडर किया जाता। इसी तरह जो बनाना होते हैं वो भी इसी तरह डजन में होते हैं। तो सर इसके पीछे लॉजिक क्या है मतलब? हाँ, मैं यही पूछने लगा था व्हाट इज द लॉजिक बिटवीन दिस, इसमें क्या है कोई बताना चाहे, मतलब डिफरेंस क्यों रखा हुआ, एक को डजन में कर रहे हैं और एक को किलो में कर रहे हैं? वैसे आम भी बनता है उसमें मतलब क्या को? जी जी सर, यानी कि डजन में ये होता है कि आपको कितने चाहिए, यानी कि ठीक है एक डजन दो डजन, ठीक है, और किलो में भी आपको एक किलो चाहिए। किलो किलो की वैल्यू ज्यादा होती है थोड़ी, उसमें और डजन कितनी नहीं होती उस वैल्यूज की जो होती है। अच्छा मैं बता देता हूँ, बेसिकली हमारे पास जो ऑरेंज होते हैं, ठीक है, और जिसमें बनाना होते हैं वो एक साइज की मिल रहे होते हैं। ठीक है, जो भी अब देखोगे ना कि हमारे पास कोई एक उसका चंक ले लेते हो तो वो एक ही टाइप के होते हैं। जिस तरह अगर किन्नू लेते हो या माल्टा लेते हो तो ये दोनों फ़र्क है। तो किन्नू और माल्टा दोनों का देखोगे साइज़ इक्वल होता है, जिस भी जगह पे जाओगे, ठीक है, वो साइज़ इक्वल रहेगा। ठीक है, अगर बड़ा है तो बड़ा ही होगा, अगर छोटा है तो छोटा ही होगा, वो डिफरेंट साइज़ के नहीं होते, अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। लेकिन अगर एप्पल को देखो उसमें हमारे पास क्वालिटी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्वालिटी मींस कि हमारे पास उसमें ग्रीन एप्पल रेड एप्पल वो मिक्स हो रहे होते हैं, उसमें हमारे पास
एक जैसी नहीं चीज़ होती, लेकिन माल्टा एक जैसा होता है। ठीक है, इसी तरह बनाना का देखो, बनाना की जो देखते हो ना कि बनाना भी एक जैसे ही होता है, तो उनको बनाना जिस तरह होता है, ऑरेंज जिस तरह होता है, ठीक है, इनको डजन में लिया जाता है। लेकिन ऑरेंज देख लो, ठीक है, या आप और क्या चीज़ होती है, वाटरमेलन देख लो, तो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, रेड होते हैं अंदर से या रेड नहीं होते, लेकिन माल्टे का टेस्ट एक जैसा होता है। सब माल्टों को देखोगे एक जैसा टेस्ट होता है, सब केलों का देख लो एक जैसा टेस्ट होता है। अगर हम आम को देखें तो आम तकरीबन एक जैसा ही होता है, तो उसको फिर डजन नहीं मिलता। आम पे भी ना आप देखोगे ना, एक एक ही दरख्त पे आम, एक ही दरख्त का जब आम देखते हो तो वो बेसिकली कुछ कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, लेकिन एक ही दरख्त के माल्टा देख लो तो वो एक ही साइज के होंगे सारे। ओके सर, ठीक है, ये फर्क सर, ये यस प्लीज सर, ये जो दर्जन है और ये दर्जन, ये एक ही है ना? यस मैम। ओके, हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया। अब ये थोड़ा सा हमारे पास ओवरव्यू है, जिसमें हमें बताया गया है कि हम कोई चीज़ मेजर करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस आ रहा होता है, कि बीम बैलेंस है, लेट अ बैलेंस बीम मेजर कॉइन, ठीक है, एक कॉइन को मैस मेजर कर रहे हैं और बीम बैलेंस ही कह रहे हैं। और यस सर, मैंने पूछना था कि ये एसएनएन एग्जाम या एमसीक्यू में आ जाते हैं कि ये इनका लीस्ट काउंट क्या है, कि मतलब कितना ये एक्यूरेट होते हैं? हाँ जी, वही चीज़ मैं यहाँ पे बताने लगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वही चीज़ मैं बताने लगा हूँ कि लिस्ट काउंट भी पूछ लेते हैं, जैसे ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछ लेते हैं, तो ये तभी मैं यहाँ पे आया हूँ इस स्लाइड पे। और यहाँ पे बीम बैलेंस की लिस्ट काउंट को ही बताया जा रहा है, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, अब तो किस मेजरमेंट तक ये मेजर कर सकते हैं और क्या एक्यूरेसी होती है, तो ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीम बैलेंस को देख रहे हैं, तो अगर एक ही कॉइन है उस कॉइन का मैस देख रहे हैं बीम बैलेंस के हिसाब से, डैट गिव्स अस 3.29, ठीक है, और वेरी सेंसिटिव, ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और ये हमारे पास इसका जो स्मॉल चेंज है वो कितना मेजर कर सकता है, डैट इज़ 0.1, ठीक है, 0.1 इसका जो है स्मॉल चेंज को मेजर कर सकता है, डिफरेंस जो मेजर कर सकता है। अब यहाँ पे 100 क्यों लिखा हो, क्योंकि जो ग्राम होता है वो एमजी में, मिलीग्राम में 100 लिखा गया, ठीक है, कन्वर्जन है बेसिकली, 0.1 इज इक्वल टू 100 एमजी, तो दिस इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ बीम बैलेंस। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फिजिकल बैलेंस ही, वही सेम कॉइन रखूँ तो वो मेजर कर रहा है 3.24 ग्राम। 24 ग्राम का मतलब क्या हुआ, चेंज कहाँ पे आया, 9 पे चेंज आया, तो ये बेसिकली क्या हुआ, 0.01, तो 4 पे चेंज आया, डैट्स गिव्स अस 0.01 और 10 एमजी। इसकी जो एक्यूरेसी है वो 0.01 डबल डिजिट तक है, उसकी सिंगल डिजिट तक थी पॉइंट के बाद, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से मेजर कर सकता है फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3.247, अब ये और एक्यूरेट आ गया, एक और थर्ड डिजिट को इंक्लूड कर दिया, विच मीन डैट 1 जी और 1 एम जी, ये इसका लीस्ट काउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, ये बहुत अच्छे से मेजर कर सकता है, तो इसलिए आजकल जितनी भी डिवाइसेज यूज की जाती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ही यूज की जाती हैं, क्योंकि वो मोस्ट एक्यूरेट वन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वन पे, कंक्लूजन पे, कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव बैलेंसिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनके लीस्ट काउंट क्या है और क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को प्रेफर कर रहे थे। एनी कंक्लूजन, No, sir. जी मैं वही बता रहा हूँ कि लीस्ट काउंट मैंने डिफरेंट बताया, बीम बैलेंस का है 0.1, फिजिकल बैलेंस 0.01 और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है डेट इज 0.001। तो ये आपको लीस्ट काउंट याद करने हैं, तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि सबसे कम किसका लीस्ट काउंट है, डेट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, डेट इज 0.001, ये तीन डिजिट तक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा एक्यूरेट आ रहा है। Yes, please. Any question?
तो मयरिंग सिलेंडर आप मोस्टली केमिस्ट्री में यूज करेंगे इस तरह के, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास मार्किंग की जाती है। ये सिरिंज भी आप देखते हो आजकल की सिरिंजेस जो आ रही होती हैं उसमें भी मार्किंग होती है, 1 mm की, 2 mm की, 5 mm की, ठीक है, mm मतलब मिली, ठीक है, लीटर, ml होता है, सॉरी mm नहीं होता, ml होता है, दैट इज़ अ मिली लीटर, ठीक है, 1 ml की होती है, 2 ml की होती है, 5 ml की होती है, मिली लीटर में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह सिलेंडर भी हमारे पास आते हैं जिसमें हमारे पास इसको मेजर किया जाता है किसी भी लिक्विड को, किसी भी फ्लूइड को हम उस सिलेंडर में मेजर करते हैं कि वो कितना लीटर का पानी है या कितना मिली लीटर में आता है। तो पानी को हम देखो केजी से लीटर में आता है क्योंकि हमारे पास मैटर की स्टेट चेंज है। हम सॉलिड को मेजर करेंगे तो वो किलोग्राम में करते हैं, हम लिक्विड को करते हैं तो वो लीटर में कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये हम सिलेंडर यूज़ करेंगे उसके लिए, और सिलेंडर का हम बेसिकली करेक्ट वे कैसे है देखने के लिए, ये जो पहले वाला है ना ये गलत है, हम ऊपर से नहीं देखेंगे पानी को, जिसने ये ऊपर से देख रहा है, ऊपर से लेवल हमें करेक्ट नज़र नहीं आता। हम जो सिलेंडर है उसको बिल्कुल अपने आई के सामने देखेंगे, तो आई के सामने हम उस लेवल को देखेंगे तो हमें पता चलेगा एक्यूरेट रीडिंग क्या आ रही है, ठीक है, हमारे पास ये वाली जो रीडिंग है ये गलत है, जिसको लिखा हुआ है इनकरेक्ट पोजिशन। करेक्ट पोजिशन क्या है कि अगर मैं उस वाटर के लेवल की अपनी आई लेके आऊँ और उसको मैयर करूँ, डैट इज एक्यूरेट, ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसी तरह थर्मामीटर को मेजर करते हैं, सही, थर्मामीटर में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मर्करी होता है ना, तो मर्करी ये रेड कलर का ऊपर जाके वो हमें शो करता है कि वो, उससे सॉरी रेड कलर का नहीं होता, वो सिल्वर कलर का होता है, वो ऊपर शो कर रहा होता है हमें कि वो कितनी रीडिंग आ रही है, कितना टेम्परेचर आ रहा है। सर ये ज़्यादातर जब बुखार हो जाए तो यूज होता है ना, ठीक है। तो गलत तरीका क्या होता है कि हम पानी को ऊपर से देख रहे होते हैं तो हमारे पास रीडिंग गलत आ रही होती है। सर यस प्लीज। सर ये ज़्यादातर अगर बुखार हो जाए तो यूज होता है ना? जी, थर्मामीटर तब यूज होता है जब बुखार होता है। इस तरह आजकल डिजिटल थर्मामीटर भी आ गए, डिजिटल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज करते हैं, जिसमें आपने जस्ट रखना है और उसको मैयर हो जाएगा, अंडर आर्म रखना। मुँह के अंदर भी कुछ रखते हैं, ठीक है, और कुछ अंडर आर्म्स भी रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको टेम्परेचर डिटेक्ट करके बता देता है कि कितना टेम्परेचर। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। सर इसमें नहीं है, अगर पहले जो सर वो जो 1 mg तो उसके साथ वो 0.01 g, इसका मतलब सर इसमें कन्फ्यूज हूँ, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये कन्वर्जन आपको समझ नहीं आ रही कि हमने कन्वर्ट कैसे किया है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन जो होती है, आपको पता होना चाहिए कि 1 kg और मिलीग्राम, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स यहाँ पे यूज़ किया गया, दैट इज़ मिली, तो मुझे बता सकती हैं कि प्रीफिक्स मिली का क्या होता है? ये उल्टा आपसे क्वेश्चन आ रहा है, अगर याद नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, डेट इज 10^-3, ठीक है, और इसको अगर मैं दूसरी तरह लिखूँ तो ये होता है 0.0001। ओके सर, ओके। नहीं, ये 2 0 के बाद, ठीक है, yes, ये होता है 0.001। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि 0.1 लिखा हुआ था ग्राम, इसको मैंने मिली में कन्वर्ट करना है, जो हमने एक्सरसाइज भी की थी, तो इस पॉइंट को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, 10^-3 में लेके आना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करूँगा, तो बेसिकली वो हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1 2 3, ठीक है, तो ये 0 0 0, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 100 mg बन गया। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर कन्फ्यूजन? नो सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्ग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जी, इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आई थिंक सो ये खत्म नहीं हो पाएगा, मैं इसको शुरू भी नहीं कर रहा, ठीक है, मूविंग टू दिस टॉपिक,
मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि ये जो आप नाइन्थ क्लास क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा से अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो, आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे कि ये है, ये जितना भी नाइन्थ क्लास का आप कोर्स पढ़ेंगे ये मोस्टली कोर्स रिपीट होगा फर्स्ट ईयर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जितना नाइन्थ क्लास का आप कोर्स पढ़ेंगे ये फर्स्ट ईयर में जाके आप, क्योंकि फिजिक्स तो रखेंगे, अगर आप मेडिकल में भी जाते हैं फिजिक्स तो साथ होगी, अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं फिजिक्स तो साथ होगी, अगर आप जाते हैं इंजीनियरिंग में जाते हैं तो फिजिक्स फिर भी साथ होगी, तो फिजिक्स आपके साथ रहेगी। तो ये वाला चैप्टर आपका, जितने भी आपके चैप्टर्स आएंगे फिजिक्स के, ये फर्स्ट ईयर में रिपीट होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बच्चों को नाइन्थ क्लास से ही बताता हूँ कि नाइन्थ को बहुत अच्छे से कर लो ताकि आपकी फर्स्ट ईयर आसान हो जाए।